हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंजाज बैंक में कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में आप नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हो। दोस्तों, सबसे पहले अपना इंजाज ऐप में जाके इंजाज ऐप ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए रजिस्टर, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों गेट स्टार्ट, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना अकाउंट नंबर टाइप कीजिए। दोस्तों मैंने अकाउंट नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद इसमें टिक मार्क लगाइए। उसके बाद आई एम रेडी, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद अपना ईमेल टाइप कीजिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए। दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर और अपना ईमेल, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। दोस्तों उसके बाद अपना मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों यदि कि अपना जो जिस घर में रहता है, इस घर का अगर आपका रजिस्टर है तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद MR लगाइए। उसके बाद डन कीजिए दोस्तों। उसके बाद आप मैरिज है, सिंगल है, आप इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना स्कूल एजुकेशन टाइप कीजिए दोस्तों, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो घर है, आप कंपनी में रहता है क्या, रेंट पे रहता है, जो भी आप टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना जो बिल्ला है, फ्लोर है, अपार्टमेंट है, जो भी है टाइप कीजिए। उसके बाद डन कीजिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आप जो भी है आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों माय जॉब, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या काम करते हो वो टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों डन कीजिए। एम्प्लॉय नेम, आपका जो जिस कांडर में काम करता है उसका नाम टाइप कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इंटर बिजनेस सेक्टर, उसके बाद दोस्तों सिटी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने जो सिटी में रहता है वो सिटी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डन कीजिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों टाइप मंथली इनकम, इसमें टाइप कीजिए। जितना हो सके उतना, ज़्यादा हो सके उतना टाइप कीजिए, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों सैलरी में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको चेक में मिलता है कि ATM में क्या कैश, फिलहाल तो कैश मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये 3 नंबर में क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए इसमें देखा रहा है डू यू हैव अदर इनकम सर्च।
आपका सैलरी के छोड़ के दूसरा कोई पैसा आपका इनकम होता है तो इसमें क्लिक कीजिए, नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। दोस्तों देखिए इसमें देखा है डू यू हैव इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रांसफ़र, ये लाजिम दोस्तों, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद उसमें टाइप कीजिए, दोस्तों मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। दोस्तों ये देखिए टेक रेसिडेंट दिखा रहा है, ये छोड़ दीजिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों देखिए ये दोस्तों, इसके बाद एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद अपना जो यूज़र नेम है वो आप इसमें टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप सिंपल सा एक पासवर्ड टाइप कीजिए। दोस्तों मैंने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड ईमेल एंड कन्फर्म पासवर्ड वो भी टाइप कर दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों सीक्रेट पिन, उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए सिक्योरिटी पिन आप जो भी बनाना चाहते हैं उसमें एक टाइप कीजिए। दोस्तों मैंने टाइप कर दिया, उसका तो कन्फर्म टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए नेशनल सिंगल साइन एस ऑन सर्विस, इसमें टिक मार्क लगे तो आपका ऑप्शन में जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए ऑप्शन इसमें आ गया, आपका ऑप्शन आईडी पासवर्ड मार के उसके बाद आप इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ दोस्तों मेरा ऑप्शन आईडी। दोस्तों मैंने अपना ऑप्शन आईडी एंड पासवर्ड में टाइप कर दिया, उसके बाद एक कैप्चा भी टाइप कर दिया। उसके बाद आप लॉगिन में क्लिक कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल में ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। दोस्तों ये देखिए योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली दोस्तों, उसके बाद आप डन कीजिए। दोस्तों मेरा ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है, मैंने जो पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप किया था वो इसमें टाइप करके मैं आप लोगों को लॉगिन करके देखा था। दोस्तों मैं टाइप कर लेता हूँ फटाफट। दोस्तों मैंने यूज़र नेम एंड लॉगिन पासवर्ड टाइप कर दिया, उसके बाद इसमें रिमाइंडर उसमें दोस्तों टिक मार्क लगाइए दोस्तों। उसके बाद अपना लॉगिन कीजिए, अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों। इसके बाद अपना मोबाइल में ओटीपी जाएगा, ऑलरेडी मेरा अकाउंट हो चुका है दोस्तों, ये देखिए हमारा मोबाइल में ओटीपी आया। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन में देख पा रहा है दोस्तों, उसके बाद अपना जो इसमें देखा रहा है सेटअप पिन कोड, इसमें आप जो भी आप पिन कोड चाहता है वो पिन कोड टाइप कीजिए दोस्तों, इसमें क्लिक कीजिए दोस्तों। उसका दोस्तों अभी ने मैं जो टाइप किया है वो मेरा पिन कार्ड का एटीएम कार्ड का पिन है दोस्तों, ऑलरेडी मेरा अकाउंट हो चुका है। इसमें देखिए ये दोस्तों देखिए ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है, और इसमें मेरा जो है आईबीएन नंबर इसमें शो कर रहा है दोस्तों। अभी मेरा एटीएम में बैलेंस 0-0 है, और जो आपका देखिए मेरा नाम भी इसमें ऑलरेडी दिखा रहा है कमरुल इस्लाम चौधरी, और आपका एटीएम नंबर इसमें, और उसमें देखिए दोस्तों इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, तब तक के लिए बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हो, अल्लाह हाफिज़। सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, देखिए इसमें ऐड बेनिफिशियरी दिखा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जो आप मैं बनाऊंगा वो कैसे ऐड बेनिफिशियरी कैसे करता है दोस्तों, वो वीडियो मैं बना के आप लोगों को तक पहुँचाता हूँ। चलिए दोस्तों।